नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आज अपनी ममोरी विधानसभा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भ्रमण पर निकले महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ग्राम पंचायत झमझरा के ग्राम समेरा में संचालित शासकीय प्राथमिक स्कूल का औचक निरीक्षण किया। स्कूल में जाकर उन्होंने भोजन कर रहे छात्र छात्राओं से संवाद किया, बच्चों को परोसा जा रहा भोजन के बारे में जानकारी ली और वहीं खाने की गुणवत्ता जानने की। उन्होंने कक्षा पांचवी के छात्रा काजल कुशवाहा की थाली में से खुद से खाना भी चखा और वहीं अधिकारियों को सभी स्कूलों में खास तवज्जो देने के दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, खबर गुना से है, जहां आपको बता दें कि भोजन की गुणवत्ता को जांचने के लिए विकास मंत्री का औचक निरीक्षण भी रहा गुना में। आपको बता दें कि स्कूल पहुंचकर बच्चों से खास बातचीत भी की है, साथ ही आपको बता दें कि भोजन खुद गुणवत्ता की टेस्ट की और साथ ही आपको बता दें कि वहां विकास मंत्री का औचक निरीक्षण रहा। खबर धार के नालछा से है, जहां बीते दिन दोपहर बाद बारिश के दौरान चक्रवाती बवंडर और तूफान देखने को मिला है। बता दें कि कड़कड़ाती बिजली के बीच बवंडर के भयंकर रूप से लोग हैरा गए। आपको बता दें, वहां लोगों ने इस हैरत अंगेज और रोंगटे खड़े कर देने वाले नजारे को अपने कमरों में कैद कर लिया और आपको बता दें कि कैमरों में कैद करने के बाद इस तूफान से खेतों में हाल ही में अंकुरित हुए सोयाबीन की फसल तबाह हो गई है। खबर गुना से है, जहां पार्षद टिल्लू रघुवंशी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन रोड पर बिरयानी के ठेलों से संबंधित अवैध वसूली का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि स्टेशन रोड पर लगे ठेलों का पैसा नगर पालिका अध्यक्ष लेते हैं और उसी के जवाब में नगर पालिका ने अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भेजा है और इसी मामले को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने बताया है कि स्टेशन रोड पर लगे हुए बिरयानी के ठेलों का मामले को लेकर नगर पालिका ने नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि अवैध वसूली का जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री रविंद्र रघुवंशी जी ने दो दिन पूर्व जो पत्रकार वार्ता ली थी और पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा था कि रेलवे स्टेशन रोड पर अतिक्रमण है और बिरयानी के ठेले खड़े होते हैं, गंदगी होती है, आने जाने आवाजाही वालों को बहुत परेशानी होती है। तो रेलवे स्टेशन रोड से वो तीन बार पत्र लिख चुके, नगर पालिका CMO को व जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय को पत्र दे चुके, उसके बाद नगर पालिका CMO द्वारा और नगर पालिका द्वारा रेलवे स्टेशन रोड पर कोई अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं की जाती, न हटाया जाता, जिससे आने जाने में परेशानी होती है। खबर इंदौर से है, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रदेश पूरा पुलिस द्वारा कुलकर्णी के भट्टे पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसी दौरान एक बाइक पर तीन बदमाश नशे में जा रहे थे, जहां पुलिस के जवान रोशन और
भोला यादव ने बाइक सवार को रोकने की कोशिश की, तभी एक बदमाश से पुलिस जवान की हाथापाई हुई और उसके बाद चाकू निकालकर पुलिस जवान रोशन पर हमला कर दिया। और वहीं पुलिस ने सीहोर निवासी दो आरोपी ऋतिक और हर्ष को पकड़ने में सफलता हासिल की है और तीसरे आरोपी अमन की तलाश की जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपी ऋतिक और हर्ष का लोगों के बीच खौफ खत्म करने के लिए पुलिस ने बदमाशों का उसी जगह जुलूस निकाला जहां आरोपियों ने पुलिसकर्मी को चाकू मारे थे। और पुलिसकर्मी, आपको बता दें कि पुलिस कुलकर्णी का भट्टा से चाकू बरामद कर लिया गया है और पकड़े गए आरोपियों पर सीहोर समेत इंदौर के कई थानों में मामले दर्ज है। तो उस मामले में देर रात को हमने दो जो आरोपी गण हैं, एक ऋतिक है और एक हर्ष है, इन दोनों जो सीहोर के रहने वाले बेसिकली, इन दोनों को कल रात को जो है अरेस्ट किया। इसके बाद इनको जो है अस्पताल, चूँकि ये गिरने पड़ने से चोटें लगी थी, अस्पताल में इनको दाखिल कराया और आज सुबह जब पूछताछ की इनसे तो भागते समय इन्होंने जहाँ चाकू फेंक दिया था उस चाकू की बरामदगी के लेके हम इनको कुलकर्णी भट्टा लेकर गए थे और वहाँ जब लेके गए तो उन्होंने आगे चल के हमको घटनास्थल बताया जहाँ पर इन्होंने चाकू मारा था और इसके बाद भागते हुए जहाँ एक चाकू फेंका था वो चाकू भी इन्होंने बताया, वो चाकू भी बरामद किया है। तुम पीछे हो जाओ क्या? तो तुम जो करो वो सही है। खबर जबलपुर से है जहां नेशनल हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने 7 दिन में 7 क्रिटिकल केसेस संभाले हैं और सभी का इलाज कर उन्हें सकुशल घर वापस भेज दिया है। बता दें कि इन केसों में मरीजों की जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे और जो कि आपको बता दें कि लेकिन हॉस्पिटल की टीम के दृढ़ संकल्प ने मौत को हरा दिया है और जिंदगी वापस लाकर घर लौटा दिया गया। आपको बता दें कि हॉस्पिटल के डायरेक्टर हिमांशु तिवारी ने बताया है कि सभी 7 केस गंभीर हालत में हॉस्पिटल आए थे और अब सब खतरे से बाहर है। बता दें कि 2 साल की मासूम स्मिता गुप्ता छत से गिर गई थी और जिसे बेहोशी की हालत में नेशनल हॉस्पिटल लाया गया था और बच्ची को लगातार झटके आ रहे थे, अध्यात्मिक मात्रा में रक्त स्राव रहा था और आपको बता दें कि सीटी स्कैन में पता चला कि बच्ची के सिर में फ्रैक्चर है और जिससे खून रुक नहीं रहा था। और वहीं आईसीयू में डॉक्टर अनूप जैन, डॉक्टर विजय जायसवाल के अथक परिश्रम से बच्चे भी बिल्कुल स्वस्थ है। ये 11 तारीख शाम 3:50 के समथिंग आई थी, ये बालकनी से गिरी हुई थी। हमारे पास रेगुलर झटके और ब्लीडिंग के कारण आई थी, बहुत ही सीवियर कंडीशन थी उसकी, बेहोशी की हालत में थी। हमारे डॉक्टरों ने, डॉक्टर अनुपजन सर्जन और डॉक्टर विजय जायसवाल पीडियाट्रिशियन ने देखा हुआ था, उन्हें तुरंत सीटी स्कैन करवाया बच्ची का, जिसमें पता चला कि बच्ची के फ्रंटल बोन बोथ साइड फ्रैक्चर है। बच्ची बहुत ही कंडीशन में थी, अब बच्ची में सुधार है, आज हम बच्ची का डिस्चार्ज करें। ये बच्ची अपने यहाँ बड़ी मम्मी के खेल रही थी ऊपर, ये नॉर्मली वहाँ खेलती रहती थी, तो ये खेलते खेलते वहाँ बालकनी के पास चली गई थी, वहाँ भी फर्श है तो बैठे खेल रही थी। हम लोग तब कोई नीचे ही थे और भाभी लोग भी थे ऊपर, तो नॉर्मली ये खेलती रहती थी। अभी खेलते खेलते ये कोई नहीं जान पाया कि बालकनी की जो ग्रिल रहती है उसमें कब चढ़ गई, ये ग्रिल में चढ़ी होगी तो ये ज़्यादा हाइट तक चढ़ गई होगी और फिर नीचे झाँकी होगी दूसरे बच्चों को, तो झाँकी होगी तो उससे बैलेंस बिगड़ गया होगा, तो एकदम वेट उसका पूरा नीचे आया। चोट इनको सिर में ही है, सिर में ही ज़्यादा चोट रही थी इनको।
कटनी के माधव नगर अंतर्गत एक्सेलेंस स्कूल में पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया और जिसमें कलेक्टर अभि प्रसाद और मुंडवारा विधायक संदीप जायसवाल मौजूद रहे। बता दें कि बच्चों को शिक्षा के रूप में अच्छी बेहतर सुविधा मिल सके, इसको देखते हुए इस पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है और पुस्तकालय के उद्घाटन से छात्राओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जायसवाल ने कहा कि जो भी छात्राओं को शिक्षकों को भी जो भी पुस्तक की आवश्यकता होगी वह विधायक निधि द्वारा संभव पूर्ण किया जाएगा। देखिए, हमारा प्रयास है कि समस्त बालिका छात्रावासों में पुस्तकालय प्रारंभ हो। उसके प्रथम चरण में हम लोगों ने कक्षा छठवीं से आठवीं तक के जितने भी छात्रावास थे ट्राइबल के और स्कूल शिक्षा विभाग के, उसमें छात्रावास जनवरी में, उन छात्रावासों में पुस्तकालय जनवरी में प्रारंभ किए गए थे। आज द्वितीय चरण में नवीं से बारहवीं के जितने भी छात्रावास हैं बालिका छात्रावास, उनमें पुस्तकालयों का प्रारंभ किया है। इस प्रकार 27 छात्रावासों में पुस्तकालय जिले में प्रारंभ हो गए। हमारे कटनी के कलेक्टर माननीय अभि प्रसाद जी का एक नया जो सोच थी, एक अलग हटके जो सोच थी, उसके अंतर्गत जितने भी हमारे छात्रावास हैं बच्चियों के, उन सब में पुस्तकालय प्रारंभ किए गए हैं। उन्होंने एक नया और अपना प्रयोग किया कि उनको जो लोग पुष्प गुच्छ वगैरह गुलदस्ते भेंट करने आते थे, उनसे भी कहा गया कि किताबें दी गई। और आज उनकी एक नई सोच, एक नए प्रयोग का परिणाम है कि हम तो बोल रहे हैं, आप बच्चियों से भी बात करेंगे तो बच्चियाँ बहुत उत्साहित हैं। मैं लाइब्रेरी का प्रारंभ हुआ है, यानी कि इससे हमको जो जो बुक्स हैं उससे हमको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, जौन सी वो बुक पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। यदि हम खरीद नहीं सकते तो लाइब्रेरी से हम पढ़ सकते हैं, मैम से ले भी सकते हैं, जिस सी भी जौन सी भी बुक चाहिए उससे हम पढ़ सकते हैं और हमें और भी ज़्यादा ज्ञान होगा ताकि हम और भी आगे बढ़ सकें लाइब्रेरी की बुक से। साजापुर के मिक्सी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में पुलिस की ओर से वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया गया और जिसके तहत पुलिस ने समग्र मैं आपको बता दें कि संग्राम जोड़कर से आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार किया है और आरोपी के कब्जे से 70 लीटर कच्चू शराब, दो मोटरसाइकिल और नकदी बरामद किया है और जिसकी कुल कीमत आपको बता दें कि 1,37,000 बताई जा रही है। क्षेत्र में उजागर हो रही थी, उसमें पुलिस भी काफ़ी सक्रियता से हम ब्यूरो की सहायता से और कंजर्वेशन दबिश देकर तलाश सरगर्मी की तलाश कर रही थी। इसी दौरान नाकाबंदी करते समय जोकर में दो व्यक्ति चोरी मोटरसाइकिल ले जाते हुए पुलिस को सूचना मिलने पर घेराबंदी करके पकड़ा था। उसमें से एक व्यक्ति मौके विकास नाम का रेंजर मौके से भाग गया। सतना का सिविल अस्पताल लगभग सभी चिकित्सक यंत्रों और कुशल डॉक्टरों से भरा है और यहाँ पर जिले के हर वर्ग का मरीज इलाज करवाने बड़े ही विश्वास से आता है और लगभग अधिकतर लोगों का इलाज सफल भी होता है। लेकिन यहाँ पर नवीन ओपीडी और बिल्डिंग में एक भी सीलिंग फैन नहीं है और जिससे यहाँ पर मौजूद मरीजों और उनके परिजनों को बुरा हाल होता है। आपको बता दें कि इसी बिल्डिंग के पीछे नई बिल्डिंग बनी है जहाँ पर मरीज रेडियोलॉजिस्ट के पास एक्सरे और सीटी स्कैन करवाते हैं और यहाँ पर गरीबों को तो लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और जान पहचान वाले लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। साथ ही नवीन ओपीडी बिल्डिंग के बाहर मरीजों के बैठने की व्यवस्था नहीं है।
आपको बता दें कि सिविल अस्पताल में हो रही लापरवाही का मामला सामने आया है और साथ ही आपको बता दें कि अस्पताल बना है अव्यवस्थाओं का केंद्र, जो कि मरीजों की भीड़ लगी रहती है और नवीन बिल्डिंग की तरफ आपको बता दें कि लंबी लाइन से खड़े रहते हैं मरीज, जहां सिविल अस्पताल में हो रही है लापरवाही। सागर में लूट और डकैती को हथियार के बल पर अंजाम देने वाले एक 7 सदस्यीय गिरोह का पुलिस ने पकड़ा है और आपको बता दें कि पुलिस ने इनके पास से 60 लाख रुपए का मसरूखा भी बरामद किया है और लग्जरी 4-व्हीलर वाहन के सहारे योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम देते थे। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आपको बता दें कि बदमाशों पर पूर्व में भी दर्ज किए गए हैं कई मामले, जो कि महंगे शौक पूरा करने के लिए और इसकी चाह में वारदात को अंजाम दिया करते थे। आपको बता दें कि सागर के मकरौनिया थाना अंतर्गत कठुआ पुल के पास एक कंपनी मैनेजर से 25 जून को 7 लोगों ने उसका वाहन रोककर हथियार के बल पर किडनैप कर उसको डराया और धमका कर लूट की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे डाली थी और पुलिस से शिकायत नहीं करने का दबाव भी बनाया गया था, और जिसके बाद वह दहशत में आ गया और इसी बीच लगातार बदमाश पर दबाव बनाकर पैसे ऐंठ रहे थे, जिससे कि परेशान होकर पीड़ित फरियादी ने 19 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से लेते हुए 7 लोगों को इस गिरोह को गिरफ्तार किया है और पुलिस अब इन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी में है, और जिससे इनके द्वारा गठित अन्य वारदात की कड़ी खुल सके और इस मामले में मकरौनिया थाना के प्रभारी की लापरवाही भी सामने आई है, जहां उनको भी लाइन अटैच किया गया है। ये काफी गंभीर किस्म का प्रकरण है मकरौनिया में, जो अपना कठुआ पुल है, कठुआ पुल में दिन दहाड़े डकैती का प्रकरण लोगों ने संज्ञान में आया था और आवेदक घटना के बाद से इतना भयभीत, इतना डरा हुआ था, क्योंकि 5-7 लोगों ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करके कट्टे की नोक पे चाकू दिखा के परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए ना सिर्फ उसके पास जो पैसे थे वो उससे छीने, जो हमारे शहर में बीच में रहते हुए इतनी बड़ी घटना को इन्होंने अंजाम दिया, उसका पर्दाफाश किया है। आपको बता दें खबर सागर से है, जहां पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। साथ ही आपको बता दें कि 7 लुटेरों के गिरोह को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। साथ ही आपको बता दें कि 60 लाख रुपए का मसरूखा भी बरामद किया है पुलिस ने। उस वक्त आपको सागर से खबर साझा कर रहे हैं, जो कि पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 7 लुटेरों के गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो कि बड़ी बड़ी वारदातें को अंजाम देते थे, और 60 लाख रुपए का मसरूखा भी बरामद किया है पुलिस ने। आपको बता दें खबर सागर से है, जहां 60 लाख रुपए का मसरूखा भी पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और सागर पुलिस ने दबिश देते हुए 7 लुटेरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि खबर सागर से है, जहां पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जो कि बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे और फिराक में लगे हुए थे। आपको बता दें कि पुलिस ने दबिश देते हुए 7 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अब रिमांड पे लेने की तैयारी की जा रही है और पूछताछ की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि 60 लाख रुपये का मसरूखा भी पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें खबर सागर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 60 लाख रुपए का मसरूखा भी पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही आपको बता दें कि दबिश देते हुए 7 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और रिमांड पर लेने की तैयारी में है।
पिछले दिनों मांगलिया पंचायत ने अतिक्रमण हटाओ मुहिम के चलते एबी रोड से रोड किनारे लगे सब्जी और फल फूल वालों की दुकानों को हटाया गया था, जिसको लेकर अब दुकानदारों को नई जगह आवंटित करने के लिए सरपंच विजय हिरवे से मुलाकात की है। और सरपंच हिरवे से दुकानदारों ने पिछले 15 दिनों से बंद पड़ी अपनी दुकानों के लिए नई जगह आवंटित करने की गुहार लगाई है। पंचायत और सब्जी दुकानदारों के बीच बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है कि एबी रोड बस स्टैंड के पास खाली पड़ी जगह पर सब्जी फल और फूल वालों को अस्थायी रूप से दुकान लगाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही यह शर्त भी रखी गई है कि दुकानदारों को पक्का निर्माण न करते हुए सिर्फ ठेले गाड़ी से ही अपना व्यवसाय संचालित करना होगा। दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों की सूची बनाई गई है। सभी दुकानदारों को स्थापना शुल्क के 1100 रुपए जमा करने होंगे, साथ ही 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सफाई शुल्क भी जमा करना होगा। बैठक के बाद सभी दुकानदार पंचायत के फैसले से संतुष्ट नजर आए। सर, सरपंच साहब ने हमें जो हटाया था आज बहुत अच्छा लगा है कि वापस उस जगह बिठा दिया कि खेले की जगह दी है ताकि हमारी दाल रोटी चल जाए। जैसे किसी के साथ हमने गलत काम नहीं करा है अन्याय। सरपंच साहब ने हमको बहुत खुशी हुई है कि सरपंच साहब ने हमको वापस वहाँ से हटाया था तो वापस बैठा भी दिया उन्होंने और एक एक खेले की जगह सबको उन्होंने ग्राम पंचायत मांगलिया ने पिछले हफ्ते मंगलिया चौराहे के ऊपर जो अतिक्रमण था सब्जी और उसके बाद हाथ फूलों का अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हमने हटाया। हटाने का कारण था कि मांगलिया चौराहे पर कई एक्सीडेंट हो चुके थे, कई लोगों ने अपनी जान गंवा चुके थे, वहां पर जाम लगता था, स्वच्छता का ध्यान नहीं दिया जा रहा था। माननीय जिला अधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था मांगलिया के अंदर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है। इस स्वच्छता के ध्यान रखते हुए हमने सभी को नोटिस देकर वहाँ से उनके स्थान से हटाया था और हटाने के पश्चात कई बार उनकी सूचना आ रही थी कि हम लोगों को स्थापन वापस किया जाए। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।